नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत, वर्कशीट नंबर 38, क्लास 10th। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी सॉल्व वीडियोस मिल सकें। कल हम बात की थी, टॉपिक का नाम है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ। कल हमने इस पर बात की थी, कल हमने बात की थी सड़क परिवहन की, और आज हम बात करेंगे रेल परिवहन कि किस तरह हमारे जीवन में रेल का कितना महत्व और कितनी उपयोगी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भारत में रेल परिवहन वस्तुओं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। आप रेल से अच्छी तरह से परिचित हैं, चाहे वो परिवहन के लिए हो, वस्तुओं के लिए हो, यात्रियों के लिए हो, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होती है, ये हमारी हर तरीके से हेल्प करती है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, भ्रमण हो, तीर्थ यात्राएं हो, लंबी दूरी तय करनी हो तो, या लंबी दूरी का सामान तय करना हो तो ये आपको आसानी से पहुंचा सकती है। व्यापार के लिए, भ्रमण के लिए, तीर्थ यात्रा, जब भी आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो रेल के द्वारा ही करते हैं। लंबी दूरी जब आपको तय करनी होती है तो सस्ते में, कम पैसे में रेल के माध्यम से आप दूरी तय करते हैं। तो रेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वय के रूप में भी जानी जाती है। और इस समय एक बहुत प्रमुख परिवहन के रूप में ये सामने उभरा हुआ है कि इसके माध्यम से आप कितनी भी लंबी दूरी तय कर सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने पर आप जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कहीं पर आसाम जहाँ आपको जाना हो, कितनी लंबी दूरी तय करनी हो, आप रेल के माध्यम से उसको आसानी से कर सकते हैं। और वहीं पर आप अपना व्यापार, भ्रमण, सब कुछ इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो हम कहें कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। अगर रेल जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी, उद्योगों, कृषि के तीव्र विकास के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रेल व्यवस्था हमारे पास ना होती तो शायद उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति ना हो पाती, कृषि से उत्पन्न हुआ जो कच्चा माल है वो नहीं पहुंच पाता फैक्ट्रियों तक, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नहीं हो पाता। इसलिए रेल जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे पास रेल जो है वो तीन प्रकार की पाई जाती हैं, यानी कि तीन प्रकार के हमारे पास रेल पटरियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। पहला है बड़ी लाइन, यानी कि 1.676 मीटर। इसकी रूट की जो लंबाई है वो है 63,491 किलोमीटर। वहन मार्ग है 89,521 किलोमीटर और कुल मार्ग आपका हो गया 117,560 किलोमीटर। तय करती है कौन सी हमारे पास बड़ी लाइन। एक आती है मीटर लाइन, एक मीटर की, यानी कि रूट की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर, वहन मार्ग 3462 किलोमीटर और कुल मिलाकर के जो कुल मार्ग है वो आपका हो जाता है 3775 किलोमीटर। अंत में हमारे पास आती है सबसे छोटी लाइन जो पहाड़ी इलाकों में चलती है, 0.762 and 0.610। रूट की कुल लंबाई हो जाएगी 1751 किलोमीटर, दूसरी 1752 किलोमीटर और कुल मार्ग जो है इसका ये है 1901 किलोमीटर। वहीं हम बात करते हैं कुल लंबाई की, रूट की लंबाई जो है 68,442 किलोमीटर, वहन मार्ग 94,735 किलोमीटर और कुल मिलाकर कुल मार्ग हो जाएगा वो 123,236 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि जो रेल व्यवस्था है वो लंबी दूरी तय करने के लिए हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है और हम अपनी लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए रेल का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर रेल ना होती तो हम कहीं पर, हमें पता नहीं होता कि कहाँ की व्यवस्था किस तरह की है, आसाम कैसा है, कोलकाता हम कैसे पहुँचेंगे। बस से जाएंगे तो कई दिन लग जाते हैं, बस रेल से जाने में कितने लग जाते हैं, बस से जाएंगे तो हम काफ़ी समय लग जाएगा। तो जो रेल जो है वो रेल के माध्यम से आप तीर्थ यात्राएँ, भ्रमण, व्यापार आदि कर सकते हैं और देश के लिए उपयोगी भी है। इस तरह से रेल जो है भारत के अंदर अपनी भूमिका निभाती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वय की भूमिका निभाती है। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से ये इसकी भूमिका है
क्या क्या आप उसको आराम से लिख सकते हैं। रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के सदस्य से रेल यात्रा के बारे में उनका अनुभव लिखिए। आप कभी जब रेल में जाते हैं तो आपको क्या अनुभव हुआ, किस तरह से आपने स्टेशन पर गए, टिकट खरीदा, प्लेटफॉर्म पर गए, ट्रेन आई, आप बैठे, किस तरह का आपको अनुभव प्राप्त हुआ, उतरे, कितने घंटे का सफ़र हुआ, आपको कैसा लगा, ये सारा अनुभव आपको इसके अंदर लिखना है। अगर आपने यात्रा नहीं की है तो आपके पिताजी, घर में चाचा, ताई जो भी होंगे उनसे समझ करके आप उनके अनुभव के बारे में यहाँ साझा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देती है। अभी आपको बताया किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दे रही है। कच्चा माल प्राप्त करता है, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है, इस तरह से आप बातें इसमें लिख सकते हैं। अगला है, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म, उपभोक्ता शुल्क। जैसे कि अभी देखा कि अभी सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ पर बुलेट ट्रेन आने वाली है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यानी कि रेल प्राइवेट हो रही है, निजीकरण हो रहा है, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, रेलवे की जो प्लेटफॉर्म टिकट अब कितने पैसे की, अब कितने पैसे की हो गई है, इन सारी बातों को आपको यहाँ लिखना है कि इसके प्राइवेट रेल प्राइवेट है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, बुलेट ट्रेन आने पर क्या हमको फ़ायदे हो सकते हैं, और रेलवे पर जो आप जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट जो आपको मिलती है कितने पैसे की है, पहले कितने की थी, अब कितने आपको देने पड़ते हैं। तो आप अपना अनुभव जो यहाँ पे साझा कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जा सके। धन्यवाद।